कोलकाता केस को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से नया अपडेट सामने आया है। आरोपी संदीप घोष का सीबीआई रिमांड में नई जानकारी सामने आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान डॉक्टर संदीप घोष का एलवीए और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और इसी में खुलासा हुआ है कि संदीप घोष ने जानबूझकर कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की है। सीएफएसएल नई दिल्ली की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मसले से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर संदीप घोष का बयान भ्रामक पाया गया। यह भी जानकारी सामने आई है कि संदीप ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का इरादा नहीं किया था। यहां तक कि सुबह करीब 10 बजे सूचना मिलने के बाद भी वो कॉलेज नहीं पहुंचा। संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की। आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वो भी आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जो कि पहली नज़र में चोट के निशानों से असली तस्वीर समझ आ रही थी। आपको बता दें कि संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया। संदीप सुबह 10 बजे से अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को कमतर आंकने की कोशिश की जिससे सबूत नष्ट हो जाए। सीबीआई ने अपने रिमांड नोट में बताया कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य लोगों की स्क्रीनिंग में अन्य संभावित आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने की पूरी कोशिश की। वहीं सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज किए। जांच एजेंसी का साफ कहना है कि वो अस्पताल प्रशासन के साथ मिलीभगत कर रहा था और इस तरह आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। ये खुलासा सीबीआई ने की है। आपको बता दें कि संदीप घोष का जब पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया तो ये सारी बातें निकल कर आई है। सीबीआई ने रिमांड नोट में इसका खुलासा किया है और सीबीआई ने कहा है कि संदीप जानबूझकर कुछ मुद्दों पर भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीबीआई ने इसका पता लगाया है और आखिरकार सीबीआई ने इसका खुलासा किया है। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।